दोस्तों, इस वीक मेगा गिव अवे में आप लोगों के लिए है 360 अंडर वाटर कैमरा, जिसको जीतने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको करना होगा फॉलो। वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो में भी एक कोड है, इसलिए इसके साथ भी एंड तक बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो हाय टबीज, दिस इज कर्ष, और इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का एक एक्सक्लूसिव वन यूआई 2.0 थीम, जो कि ओप्पो एंड रियलमी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। तो इस थीम को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, जिसमें कि इसका होम स्क्रीन सेटअप पूरी तरह से सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का ही है, जिसमें आपको विजेट्स प्लस गूगल विजिट और वॉलपेपर देख के अलग ही समझ आ गया होगा कि S20 किस तरह का दिखता है। उसके अलावा आइकन्स भी पूरी तरह से सैमसंग की लेटेस्ट वन यूआई 2.0 के बेस हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद आने वाली है। कॉन्टैक्ट्स एंड फ़ोन का इंटरफेस भी कुछ चेंज हुआ है। जैसे आप डायलर पर जाओगे तो आपको डायलर का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। कॉन्टैक्ट्स का भी आपको ऑप्शन कुछ इस तरह का देखने मिलेगा, जो कि अल्फाबेटिकली सॉर्टेड आउट पहले से ही होंगे, जो कि वन यूआई 2.0 का खास फीचर है। बात करें मैसेजिंग की, तो मैसेजिंग कुछ इस तरह का आपको देखने मिल जाता है, जिसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा अलग है एंड 2.0 जैसा ही है। पूरी तरह से वन यूआई का फील आपको देने के लिए ये भी काफ़ी है। सेटिंग्स के भी सारे आइकन मॉडिफाइड हैं, तो अब से आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको सेटिंग्स में पता लगेगा पूरी तरह से जो मॉडिफाइड एकदम वन यूआई 2.0 की स्किन यहाँ पर लगाई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने में लगती है एंड पूरी तरह से आपको सैमसंग का फ़ोन बना देगी आपके डिवाइस को। उसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका नोटिफिकेशन पैनल, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल रियलमी से पूरा हटके है, ये नोटिफिकेशन पैनल पूरी तरह से सैमसंग जैसा ही लगता है आपको देखने में। एंड और सबसे ख़ास बात, इसके जो आइकन्स हैं वो, जैसे कि जब आप ऊपर वाला आइकन देखोगे तो आपको टाइम का पूरा आइकन, वॉल्यूम रॉकर का आइकन, उसके अलावा यहाँ पर आपको वोल्टी एंड ऑल नेटवर्क की स्पीड वाला आइकन, बैटरी परसेंटेज वाला बॉक्स, वो सब कुछ आपको पूरा सैमसंग का फील देगा एंड सैमसंग के जैसा ही आपको देखने में ये मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इवन आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ ही जाएगा, मैं तो गारंटी देता हूँ। उसके अलावा फ़ोटोज़ का भी इंटरफेस कुछ कुछ चेंज हुआ है। जब आप फ़ोटोज़ में जाओगे तो फ़ोटोज़ पूरी तरह से सॉर्टेड आउट होंगी, एल्बम की तरह सॉर्टेड आउट होंगी, कैमरा की एल्बम अलग, और वो कुछ अलग ही इंटरफेस होगा आपको सैमसंग का टाइप का देखने मिल जाएगा। उसके अलावा फाइल मैनेजर का भी इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज आइकन्स वगैरह चेंज हुए हैं, फोल्डर्स के आइकन, और जब आप ऑल फाइल्स वगैरह में जाते हो एंड सारे आइकन्स आप एक बार रिफ्रेश करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि सैमसंग के आइकन्स यहाँ पर पूरी तरह से फिल्ड आउट किए गए हैं। होम स्क्रीन सेटअप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ये जो वॉलपेपर है ये S20 प्लस का है, तो आपके फ़ोन को दूर से देखकर लोग S20 प्लस समझेंगे, जो कि सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है एंड आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद ही है आने वाली है थीम। थीम को अप्लाई करना बहुत ही इजी है। थीम को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दी गई लिंक पर जाना है, उसको डाउनलोड करना है, उसके अलावा उसको सीधे से अप्लाई कर लेना है। कोई भी 5 मिनट एरर आपको देखने नहीं मिलेगा, जो कि इस थीम की खास बात हो जाती है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको सिंपली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो कुछ थोड़ा सा अलग देखने मिलता है। उसके अलावा जो जितना भी मिनिमलिस्टिक फील होता है वो सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने मिलता है, सेम उसी तरह का आपको देखने मिलेगा एंड स्मूथनेस भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको सैमसंग जैसी देखने मिल जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी और कलर्स कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी थोड़ा सा चेंज और मॉडिफाइड है, तो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए एंड सैमसंग की थीम का मजा लीजिए। आपको कोड मिला या नहीं? अगर मिला हो तो क्राइटेरिया जल्दी से पूरा कीजिए गिव अवे के विनर बनने के लिए, साथ में एक स्टेप और फॉरवर्ड होने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में गई वीडियो को ध्यान से जरूर से देखिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।